रोदियोला, इसे वंडर हर्ब भी कहते हैं। ये लेह से ऊपर हिमालय की सबसे उच्च पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में सोलो कहते हैं। इसमें रेडियोधर्मिता रोकने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ विपरीत वातावरण में सामंजस्य की क्षमता को बढ़ाता है। यह अत्यंत ठंडे स्थानों पर तैनात सैनिकों के लिए बहुत लाभकारी है। लेह के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें गामा किरणों से होने वाले बुरे प्रभावों को रोकने की क्षमता है। हालांकि इस पर अभी शोध चल रहा है। उनका कहना है कि इसमें इतने अत्यधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं और शायद यही रामायण की संजीवनी बूटी है। शिलाजीत, ये भी हिमालयन रेंज में पाए जाने वाला पदार्थ है। इसका रंग पीला, भूरा, काला होता है। ये अत्यंत महंगा और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर पदार्थ होता है। इसके मुख्य घटक हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, B1, B2, B6, B9, B12, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, सेलेनियम। इसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें अल्सर रोधी गुण, मोटापा कम करने के अलावा ये शरीर पर उम्र के पड़ने वाले प्रभावों को रोकता है। साथ ही ये तनाव, चिंता से मुक्त करता है और साथ ही सेक्स क्षमता को भी बढ़ाता है। जुनिपर, ये भी हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी बूटी है। इसका बीज मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने के साथ साथ गाउट, आर्थराइटिस, श्वास संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। इसका तेल मुहासे और चर्म रोग में काम आता है। देवदार, ये भी हिमालय पर पाए जाने वाला एक औषधीय पेड़ है। ये सूजन, त्वचा रोगों, शीत से होने वाले दर्द, कफ तथा वात रोगों में सहायक, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है और लीवर की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। पथरी और मोटापा नष्ट करता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसका अधिक प्रयोग फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। गर्म पानी में देवदार के तेल की कुछ बूंदें डालकर पेट की सिकाई करने से पेट फूलने में राहत मिलती है।